हेलो स्टूडेंट, आई एम राहुल सर, मैं टीचर फ्रॉम सीएम एकेडमी हासपुर सतना एंड टुडेस टॉपिक मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 11.3। सर नंबर आप 10 सॉल्व करेंगे। 10 नंबर के लिए देखिए, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, और जब मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ तो अपनी बुक आप ओपन कर लीजिएगा, जिससे आपको और भी ये इजी समझ आ जाए। इसमें दिया हुआ है फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड सीड ऑफ अ रेडियस, मतलब आपके बुक में डायग्राम भी बना है, एक सर्कुलर कार्ड है, हम बना रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर कार्ड। अब इनका रेडियस क्या है, ये है सेंटर से हम ले लेते हैं रेडियस 14 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है, 14 सेंटीमीटर है। इसके बाद दिया है टू सर्कल ऑफ अ रेडियस। अब इसके अंदर आप जब आपके बुक में डायग्राम भी बना हुआ है, डायग्राम कुछ ऐसा है, मैं बता देता हूँ, ये मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे टू सर्कल बने हुए हैं, ये फर्स्ट एंड सेकेंड, ये टू सर्कल है। यहाँ पे टू सर्कल दिया हुआ है जिनका रेडियस है 3.5। इनका रेडियस क्या है, 3.5, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो रेडियस सर्कल है इनका रेडियस 14 है, और स्मॉलेस्ट टू सर्कल है इनका रेडियस 3.5, दोनों में सेम है, 3.5 है। रेक्टेंगल, और यहाँ पे एंड अ रेक्टेंगल ऑफ अ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर गिवन, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल डायग्राम भी बना हुआ है, ये से रेक्टेंगल। तो आपको क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट सर्कल है और उनके अंदर टू सर्कल है और वन रेक्टेंगल है, रिमूव कर लिया गया इनको, तो फाइंड द एरिया ऑफ अ रिमेनिंग शीट। तो जब इनको रिमूव किया गया, निकाला गया, अलग किया गया, तो इनका जो रिमेनिंग जो एरिया बच रहा है, मतलब ये पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ 600 सर्कल में, आपको जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ, आपको और भी इजी आ जाएगा सॉल्व करने के लिए। जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, कितना एरिया आपको बच रहा है ये बताना है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, आप इसको देखेंगे तो प्रॉपर आपको ये सर में आ भी जाएगा, और आपके बुक में ये स्टेटेड भी है। तो यहाँ पे जितना भी पार्ट जो रिमेनिंग बचा है वो आपको फाइंड करना है। कलर कर देता हूँ, अब जब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको प्रॉपर जो डायग्राम समझ में आएगा वो क्या हो रहा है, मतलब टू सर्कल और वन रेक्टेंगल रिमूव हो गए हैं यहाँ से, मतलब इनको अलग कर दिया गया है, तो हमने ये काउंट नहीं करेंगे। इसके अंदर जो बच रहा है वो ये, मतलब जहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उनका एरिया हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये हो गया पूरा सेलेक्ट, अब इनके अंदर ये जहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका एरिया क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें रेक्टेंगल जो चीज़ें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जो आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल को एरिया ऑफ अ टू सर्कल और रेक्टेंगल को माइनस कर दें, मतलब ये पार्ट, ये भी पार्ट और ये सब को मैं माइनस कर दूँ, तो इसके अंदर रिमेनिंग हमें बच जाएगा। मैं आउटर को और जो आउटर सर्कल बन रहा है, मतलब आउटर सर्कल क्या है, पूरा एक तो है सर्कल ही, मतलब हम पाई आर स्क्वायर, मतलब ग्रेटेस्ट ले रहा हूँ क्योंकि आउटर सर्कल है, ग्रेटेस्ट सर्कल है, इसलिए मैंने ग्रेटेस्ट रेडियस ले लिया। उसको मैं इनर जो अंदर जो बच रहे हैं वो सबको मैं माइनस कर दूँ, तो अंदर कौन से बन रहे हैं, एरिया ऑफ टू सर्कल, मतलब टू मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, टू सर्कल है इसलिए मैंने टू मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर कर दिया, और ये जो पार्ट दिया है उसको मैं क्या करूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है, मतलब ये टोटल आउटर सर्कल को जो अंदर जो पार्ट बन रहे हैं एरिया ऑफ टू सर्कल प्लस ये दोनों को ऐड कर दूँ, ये और को 1, 2, 3 को, और इससे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, माइनस लगा दिया, तो हमें पता चल जाएगा रिमेनिंग एरिया क्या है। ये चीज़ मुझे बताएं, तो ये मैं राइट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दो चीज़ें मेरे पास गिवन है, क्या क्या चीज़ें गिवन है, देखिए दिया हुआ है रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कार्ड सेट, आप ये लिख सकते हैं सर्कुलर कार्ड सी
तो हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, ये है 14 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस है, हमने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया। एंड टू सर्कल ऑफ रेडियस, और सर्कल के जो टू रेडियस हैं ये इनका जो रेडियस है वो है 3.5, तो हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल 3.5 सेंटीमीटर। एंड अब रेक्टेंगल की बात होगी, क्योंकि रेडियस है, अब रेक्टेंगल की बात होगी, इसमें लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल है यहाँ पे, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी होगा यहाँ पे, तो मैं लेंथ एंड ब्रेथ दोनों राइट कर रहा हूँ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है ये देखिए मैं राइट कर लेता हूँ, इसमें लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल है 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रिमेनिंग शीट, तो हम फाइंड कर देते हैं, लगा देता हूँ फॉर्म यहाँ पे, एरिया ऑफ अ रिमेनिंग शीट इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ग्रेटेस्ट सर्कल या फिर एरिया ऑफ अ सर्कुलर कार शीट भी आप दे सकते हैं, एरिया ऑफ अ ग्रेटेस्ट आप लिख, एरिया ऑफ अ ग्रेटेस्ट सर्कल माइनस एरिया ऑफ टू सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ, अब ये पार्ट मैं इतना इस कर देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल लिख लीजिए, फॉर टू स्मॉलेस्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे लगा देते हैं फॉर्म, एरिया ऑफ अ ग्रेटेस्ट सर्कल मतलब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ग्रेटेस्ट है इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल कर दिया, माइनस ब्रैकेट एरिया ऑफ अ टू स्मॉल सर्कल, टू सर्कल इसलिए हमने टू कर दिया और पाई आर स्क्वायर स्मॉल है तो इसलिए स्मॉल आर कर दिया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देख लीजिए जो वैल्यू दी हुई है, पाई की जगह आपको 22.7 लेना है, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कैपिटल मतलब रेडियस 14 है तो यहाँ पे हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह आपको 22/7 पुट करना है, स्मॉल आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस लेंथ यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर, ऐसे आप बॉक्स बना लीजिए, ये इजी हो जाएगा। अब इसको आप सिंपलेक्स कर सकते हैं 2 डायमेंशन, कैसे मैं लिखूँ बता दूँगा आपको, 22/7 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर माइनस 2 मल्टीप्लाई 22 करेंगे तो क्या आएगा 44 मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर और भी क्या है 7 प्लस 3 1 से क्या होता है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो कट हो रहे हैं वो हम कट कर लेंगे, देखिए मैं आपको ये सिंटैक्स करके बता देता हूँ, 7 × 7 = 14, 7 × 7 = 35 ये कट हो गए। अब जो रिमेनिंग बच रहा है वो मैं राइट कर देता हूँ, देखिए रिमेनिंग क्या बच रहा है यहाँ पे, उसके लिए
ये जो मैंने राइट किया है यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा, बहुत इजी हो जाएगा इसके बाद सिंप्लीफाई करना। ये हटा देता हूँ मैं क्योंकि सेवन से सेवन कट हो चुका है। रिमाइंड क्या बचाया है ये यहाँ पे, टू मल्टीप्लाई टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर माइनस, यहाँ पे रिमाइंड क्या बचाया है 44 मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये ऑल जितने भी नंबर दिए हुए 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई ऑल का मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा और ये वैल्यूज होगी यहाँ पे मैं राइट कर दूँगा। देख लीजिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया हूँ, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई करेंगे 6 एंड 16 सेंटीमीटर आएगा। आप ये चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई जब आप ये ऑल करेंगे मल्टीप्लाई तो इसका आंसर 6 एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप 44 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो उनका आंसर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मैं यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या राइट है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा ऐड करेंगे तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे हम रफ वर्क भी कर लेते हैं, 616 and 80, 6 में 6 ये क्या हो जाएगा कह लेंगे तो 11, 11 में आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 10, 3 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हो गया हमारे पास एरिया, रिमेनिंग एरिया जो रिमेनिंग एरिया बच रहा था, तो रिमेनिंग एरिया इसका आंसर क्या आ रहा था 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आप इस टाइप क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए इजी होगा और आपकी बुक में जो वर्क दिया हुआ है वो आपसे सॉल्व करके बनना भी चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।